इंदौर नगर निगम और रेलवे के बीच बकाया राशि को लेकर चल रही तनातनी अब खुलकर सामने आ गई है। आज नगर निगम की टीम रेलवे के विज्ञापनों को हटाने पहुंची तो रेलवे की ओर से भी आरपीएफ को आगे करके कार्यवाही को रुकवा दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम को रेलवे से विज्ञापन शुल्क के करीब 10 करोड़ की वसूली करना है। रेलवे पर संपत्ति कर सहित कुल 55 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया है। इस वर्ष राजस्व वसूली में पिछड़ चुके नगर निगम ने अपने अधिकारियों को रेलवे परिसर में विज्ञापन बोर्ड हटाने के लिए भेजा। इसके जवाब में रेलवे ने भी आरपीएफ जवानों को तैनात करवा दिया और आरपीएफ ने निगम अधिकारियों को हिरासत में लेने तक की चेतावनी दे डाली। इस गहमागहमी के बीच दोनों पक्षों की ओर से वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और चर्चा की। वहीं इस मामले में रेलवे के पीआरओ प्रदीप मीणा का कहना है कि रेलवे के संभागीय अधिकारियों ने इस मामले में नगर निगम से चर्चा की है। वहीं रेलवे अब केंद्र सरकार की विज्ञापन नीति के अनुसार नगर निगम से पत्र व्यवहार करेगा। रेलवे की तरफ से कुछ हमारे सेवा शुल्क उसका बकाया है जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी रेलवे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो इसको वो प्रोसीड कर रहे हैं। वो अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके इस पे कार्रवाई करेंगे। हम उसका वेट करते हैं। देखिए रेलवे परिसर में ही होर्डिंग लगे हुए हैं तो उसमें क्या है कि जो नगर निगम की तरफ से कुछ नोटिस आया था कि ऊपर जो टॉप पे है जो एडवर्टाइजमेंट उनको हटाने के लिए, तो हम लोगों ने हमारे आला अधिकारियों ने कमिश्नर और नगर निगम के जो अधिकारी उनसे बात की है। इसके अलावा हम लोग जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी और एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी और नॉर्म होंगे उसके आधार पर उनको चिट्ठी लिख दी जाएगी। इसके बाद में अभी फिलहाल क्या है कि मामला क्लियर हो गया है और अब जैसे ही अभी पूरा जो हम लोग उनको लेटर दे देंगे ना, आला अधिकारियों की बातचीत हो चुकी है। सर इसमें कुछ बकाया पेमेंट की बात आ रही है, कुछ 6-7 करोड़ रुपए का बकाया है रेलवे को। देखिए कुछ नोटिस आया है वहाँ से हटाने के लिए तो एग्जैक्टली उसका अमाउंट का बताना मुश्किल है, बट जैसे ही हमारी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रेलवे की पॉलिसी है एडवर्टाइजमेंट की, उसके आधार पर उनको लेटर को जवाब दे दिया जाए। निगम कर्मी और आरपीएफ के जवान आमने सामने हुए थे जैसा मामला? नहीं, ऐसा आमने सामने कुछ नहीं, क्योंकि हमारे एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड के लिए उन लोगों ने नोटिस दिए थे, आए थे, तो हमारा जो फोर्स है आरपीएफ वो तो रहता ही है, क्योंकि इस तरह का आमना सामने की कोई बात नहीं, क्योंकि आला अधिकारी ने बातचीत करके और इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कर लिया। सर ऐसे राजस्व को लेकर पहले भी एक तरफ मामला सामने आ चुका है, कोर्ट में मामला चल चुका है 2018 में। देखिए अभी फिलहाल तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने अधिकारियों के द्वारा रेलवे के और जो नगर निगम के अधिकारियों की बातचीत हो गई है, इसके बाद में फिर जैसे ही उनको हम लोगों ने लेटर दिया है उसका नोटिस का जवाब देंगे, इसके बाद में फिर वो लोग अपना रिप्लाई। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।